वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ पे है, पूरा कंप्लीट अपडेट लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए। लाइक फॉर्म की जो लास्ट डेट कब है, क्या फॉर्म आ चुका है और साथ में एग्जाम देने के क्या प्रोसेस रहेंगे, साथ ही किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, एज लिमिट क्या रहेगी, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ और विथ प्रूफ के साथ में बताऊंगी कि हाँ ये सारी चीजें एक्चुअल में है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और साथ ही वैसे कैंडिडेट अभी भी मेरी ऑनलाइन कोचिंग से जुड़ना चाहते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे अभी नंबर शो कर रहा है, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और बीएफए की जो प्रैक्टिकल एग्जाम होती है उसके लिए आप मेरी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। अभी भी जो सीट है अवेलेबल है आप लोगों के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बारे में। तो बता दूं कि हाँ, फाइनली जो है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो आउट हो चुका है। यूजी एंड पीजी दोनों कोर्सेज के लिए आपको साइड में पेज दिख रहा है ना, पूरा ये पेज महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। इस पेज में जो लिखा हुआ है, हालांकि मैं बता दूं कि इस पेज को मैंने एज अ पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, आप वहां से इजिली डाउनलोड करके आराम से खुद भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जो लिखा हुआ मैं यही बता दूं कि इसमें सिंपल ज्यादा कुछ नहीं है, लिखा है कि जो आपका फॉर्म जो है वो आउट कर दिया गया है, फॉर्म भर सकते हो आप और इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है वो 30 जून रखी गई है। तो आप लोग फटाफट फॉर्म भर दीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि अभी 15 दिन टाइम में आराम से फॉर्म भरेंगे। इस पे भी एक प्रॉब्लम आ जाती है कि अगर आप लास्ट टाइम पे फॉर्म भरते हैं तो उस समय बहुत सारे बच्चे फॉर्म भर रहे होते हैं, जिसके कारण ना सर्वर डाउन हो जाता है और फॉर्म भरने में काफी प्रॉब्लम आती है। इसलिए कोशिश कीजिएगा जितनी जल्दी फॉर्म भर दे आप लोग, ठीक है। और बीएफए वाले स्टूडेंट को भी मैं बोलूंगी कि आप लोग भी फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर सकते हैं, फटाफट जल्दी से आप लोग फॉर्म भर दीजिए। तो ये तो रहा एक बात कि हाँ फॉर्म आ चुका है, 30 जून लास्ट डेट है, आप लोग फॉर्म भरना स्टार्ट कर दीजिए। सेकेंड चीज ये है कि एग्जाम के तरीके क्या होने वाले हैं इस बार। तो बता दूं कि एग्जाम जो होगा आपका थ्योरी पेपर होगा एंड प्रैक्टिकल पेपर होगा। मैं बीएफए की बात कर रही हूँ, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट की बात कर रही हूँ, ठीक है। थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों होगा। थ्योरी के लिए आपको जो मैं बुक सजेस्ट कर देती हूँ, आपको पढ़ना है तो आप राशि रस्तोगी की बुक से पढ़िए और बीएचयू के जो बैक क्वेश्चंस है पिछले 10 साल के पढ़ जाइए, इससे बाहर एक क्वेश्चंस भी नहीं आएगा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में। बता दूं कि अगर आपको बैक क्वेश्चंस पढ़ना है तो मेरी वीडियो, मेरा जो चैनल है उसमें एक प्लेलिस्ट बना हुआ है बीएचयू बैक क्वेश्चंस करके, उसमें प्रीवियस 10 ईयर के बैक क्वेश्चंस पढ़े हुए, अगर आप सिर्फ उसको भी पढ़ जाते हैं तो मैं बता दूं कि 60-70% आराम से कंप्लीट हो जाएगा, उसी से लगभग क्वेश्चंस होते हैं। बाकी आप राशि रस्तोगी की बुक से, जिसके लिए भी मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे वीडियोस डाल रखे, जो फ्री क्लासेस वीडियो आप देखते हैं, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 करके बहुत सारे वीडियोस बने हुए, एटलीस्ट अब मुझे लगता है क्लास 100 तक वीडियोस बने हुए, तो उन सभी वीडियोस से भी पढ़िएगा तो आपको कहीं भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है इस यूनिवर्सिटी के लिए। तो आप इन सब वीडियोस से भी पढ़ सकते हैं, एक्स्ट्रा बहुत सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं मेरे चैनल पे, आप उन सब से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और उन सब से पढ़ने के लिए आप सबसे पहले मेरे चैनल का प्लेलिस्ट जाइए, हर चैप्टर का अलग अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, उसके थ्रू भी आप इजिली वहां पे देख करके पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये तो रहा थ्योरी पेपर होगा। बता दो, थ्योरी पेपर होने के जस्ट 1 वीक बाद या 5-6 डेज बाद ही प्रैक्टिकल एग्जाम भी हो जाता है, वहां पे बहुत गैप नहीं रहता है दोनों के बीच। तो पहले तो थ्योरी होगा, थ्योरी होने के 6 डेज बाद या बहुत से बहुत तो 1 वीक बाद आपका प्रैक्टिकल एग्जाम भी हो जाएगा और प्रैक्टिकल एग्जाम में सेम चीज, वही स्टिल लाइफ आएगी, वही कंपोजिशन आएगा, पेपर की साइज A3 होगी, कार्ट्रिज सीट होगा, 150 जीएसएम होगा या 140 जीएसएम, जीएसएम जो होता है पेपर की मोटाई को बोलते हैं, तो वो 140 या 150 जीएसएम का ही देते हैं दोनों पेपर के लिए, स्टिल लाइफ एंड कंपोजिशन के लिए। और बहुत टफ नहीं होता है वहां पे कंपोजिशन, इजिली बस टॉपिक रहेगा लाइक कि टी स्टॉल पे बनाइए, विलेज लाइफ पे बनाइए, मार्केट सीन हो गया, डेली लाइफ हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, मॉल हो गया, तो इस तरीके के कोई 3 टॉपिक देंगे और उस 3 टॉपिक में कोई 1 टॉपिक पे आपको बनाना होगा और दोनों के लिए आपको 2-2 घंटे की टाइम दी जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की, साइड में आपको एक पेपर अगेन शो कर रहा है, ये भी ऑफिशियली अपडेट महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की तरफ से है। इस पीडीएफ को भी मैं बता दूं कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड कर दिया है, आप इजिली डाउनलोड करके इस पीडीएफ को भी रीड कर सकते हैं। इसमें जो लिखा हुआ है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी, इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम 2024-2025, ठीक है, इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है जो अभी आप फॉर्म फिलिंग करेंगे उसके बारे में। फर्स्ट नंबर पे जो लिखा हुआ है कि जब आप फॉर्म फिलिंग करेंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, ठीक है। यहाँ पे आप फर्स्ट नंबर पे देख लिए लिखा हुआ है 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट,
ठीक है, अगर ये तीनों सर्टिफिकेट आपको देने होंगे, और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट रहेगा तो ही दीजिएगा, क्योंकि बीएफए का कोर्स ना आफ्टर 12th करते हैं हम, ठीक है। और ग्रेजुएशन अगर आपने ऑलरेडी कर रखा है किसी और कोर्सेज से तो आप वो सर्टिफिकेट दे सकते हो, नहीं कर रखा है तो आप सिर्फ 12th तक ही देना। उसके बाद जो भी सर्टिफिकेट लिखा गया है अगर वो है तो ही देना है, अदरवाइज नहीं। जैसे कि है अदर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट EWS, अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं देन आपको देना है, इकोनॉमिक वीकर स्टूडेंट होता है। OBC ST SC वाला का सर्टिफिकेट देना है, PWD वाला सर्टिफिकेट देना है अगर आप बिलोंग करते हैं तो, यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयड वार्ड सर्टिफिकेट अगर आप है तो वो देना है, एक्स्ट्रा रिलेवेंट स्पोर्ट सर्टिफिकेट अगर आप स्पोर्ट कोटा से है देन वो सर्टिफिकेट दे सकते हैं। उसके बाद है NCC या NSS सर्टिफिकेट अगर है तो देना है, फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट एंड लास्ट है डिपार्टमेंट ऑफ सोल्जर, ठीक है, J&K सर्टिफिकेट। तो ये जो सर्टिफिकेट्स है जो मैंने बाद में जिक्र की है, ये अगर आपके पास है, अगर आप इन सब से बिलोंग करते हैं देन ही आपको देना है, अदरवाइज नहीं देना है फॉर्म फिलिंग के टाइम पे। सेकंड नंबर पे जो है कि अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जो इसका सर्टिफिकेट है वो आपका 1 जुलाई 2021 से पहले का नहीं होना चाहिए, उसके बाद का बना हुआ सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है कि अगर आप EWS से है तो ये सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे लिखा हुआ है एज लिमिट, कौन कौन कोर्सेज के लिए, BFA अगर आप BFA कोर्स करना चाहते हैं या फिर MUS करना चाहते हैं या फिर BLLB करना चाहते हैं तो आपकी एज लिमिट जो होनी चाहिए वो 22 इयर्स ओल्ड होनी चाहिए। 22 इयर्स से ज़्यादा हुआ तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, फॉर्म आपका वैलिड नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पे लिखा हुआ है कि अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं वोकल म्यूजिक से, ठीक है, तो आपकी एज लिमिट 20 इयर्स होनी चाहिए, 20 इयर्स से ज़्यादा हुई तो आप नहीं कर सकते हैं। एंड लास्ट सिक्स नंबर पे लिखा हुआ है कि अगर आप मास्टर इन म्यूजिक करना चाहते हैं, म्यूजिक से मास्टर करना चाहते हैं, तो जो आपकी एज लिमिट होनी चाहिए वो 35 इयर्स होनी चाहिए, 35 इयर्स से ज़्यादा हुई तो आप मास्टर इन म्यूजिक नहीं कर सकते, मतलब म्यूजिक से मास्टर नहीं कर सकते। तो ये कुछ एज लिमिट बताया गया है अलग अलग कोर्सेज के लिए, और इसी को फॉलो करते हुए आपको चलना है। और इस वीडियो में इतने ही, जो भी जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने पूरी कवर करने की पूरी कोशिश की है, बाकी आपको और भी कुछ चाहिए तो आप उसके लिए कमेंट कर दीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, नमस्ते एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।